बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा आज दोपहर में दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 27 मई को नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल, नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी होंगे शामिल और नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल जो है आज दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और दोपहर में दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 27 मई को नीति आयोग की बैठक में सीएम शामिल होंगे और 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री के ये दिल्ली के कार्यक्रम हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 2 दिवसीय दिल्ली का ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है और आज वो दिल्ली आ जाएंगे, दोपहर तक दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 27 मई को नीति आयोग की बैठक में जो है शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 28 को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। अधिक जानकारी ले लेते हैं संवाददाता निकिता सरीन से। निकिता, जानकारी दीजिए क्योंकि दिल्ली दौरे पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, क्या उनके कार्यक्रम रहेंगे और क्या उनकी रवानगी हो गई है, क्या अपडेट? देखिए, दिल्ली का दौरा है, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे गाजियाबाद रवाना होंगे योगी आदित्यनाथ और वहां पर 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक है, उसमें शामिल होंगे। जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि 28 तारीख को जो मेगा इवेंट है संसद भवन का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हो रहा है, उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। तो फिलहाल ये जो दौरे और इन्फॉर्मेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आ रही है कि उनका दिल्ली दौरा है, साथ ही कानपुर से वो गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे और तमाम वहां पर बैठक है नीति आयोग की, उसका भी हिस्सा लेंगे और उसके बाद सीधे 28 को उद्घाटन में शामिल होंगे जो एक मेगा इवेंट है। ममता, ठीक है, बिल्कुल 2 दिन तक दिल्ली में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, फिलहाल कानपुर में है। नीति आयोग की इस बैठक की मैं बात करूं जो काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है 27 को होने वाली, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए निकिता। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी ममता कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव अप्रोच कर रहे हैं उसको लेकर के पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है, लगातार बैठकें हो रही है। जो अभी जनसंपर्क अभियान की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर भी जोरों शोरों से तैयारी है क्योंकि 9 साल कंप्लीट हो रहे हैं मोदी सरकार के, उसको लेकर के जो रणनीतियां हैं लोकसभा में उतरने की उसको लेकर के लगातार मीटिंग हो रही है। तो नीति आयोग की मीटिंग जो 27 मई को प्लान हुई है उसका हिस्सा लेंगे योगी आदित्यनाथ, जितने भी दिशा निर्देश दे रहे हैं उसका भी पालन होगा। और साथ ही सबसे मेगा इवेंट की जो मैं बात करूं जो संसद भवन का इनॉग्रेशन है, क्योंकि लगातार ऑपोजिशन बातें कर रहा है क्योंकि दिल्ली जैसी जगहों पर इनॉग्रेशन हो रहा है पार्लियामेंट बिल्डिंग का और कम से कम 20 से 21 ऑपोजिशन ऐसी पार्टी है जो इस मेगा इवेंट को बायकॉट करने की बात कर रही है और ये कह रही है कि लगातार जो राष्ट्रपति है उसके लिए उनके लिए ये अपमान की बात है। तो ऐसे तमाम चीजों के बीच में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इवेंट है उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं और इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ भी उसका हिस्सा बनेंगे। साथ ही जो अपर लेवल के लोग हैं उनसे भी बात कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से जनसंपर्क अभियान की बात हो रही है 21 न्यू क्लस्टर्स बन रहे हैं, इसको लेकर के भी लगातार बूथ स्तर पर बीजेपी अपने आप को मजबूत कर रही है, अहम बैठकें हो रही है, तो ये एक अहम बात है। और साथ ही जो पूरा कोऑर्डिनेशन की बागडोर सुनील बंसल को दे दी गई है इस पर भी जो लोग हैं जो कार्यकर्ता है वो बेहद उत्साह है। तो तमाम ऐसी चीज है भारतीय जनता पार्टी की जिसपे फोकस कर ही सरकार चल रही है, जिसमें नीति आयोग की बैठक है, साथ ही 28 का जो मेगा इवेंट है वो भी शामिल है। तो ठीक कानपुर से एयरपोर्ट से रवाना होंगे गाजियाबाद और उसके बाद जितनी भी बैठकें हैं जितने भी इवेंट है उसका पार्ट लेंगे योगी आदित्यनाथ, 2 दिवसीय दौरा है, उसके बाद सीधे लखनऊ की ओर रवानगी होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद निकिता आपका तमाम जानकारी देने के लिए।